हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। समझना क्या है आज के एक्सेल वाले वीडियो में, देखिए यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 43952 ये एक सेल में लिखा हुआ है, फिर इसके नीचे दूसरा नंबर दूसरे सेल में, तीसरा नंबर तीसरे सेल में, इसी तरह से करके बहुत सारे नंबर मैंने लिख रखे हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट है। यहां पर आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो भी यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ये मैंने डेट लिखा था। अब डेट कैसे लिखा था वो आपको दिखा देता हूं। यहां पर जाता हूं मैं और अगर मैं यहां पर डेट कर देता हूं, इसका फॉर्मेट डेट रख देता हूं, लाइक ये देखिए, तो ये अपने आप डेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये टेक्स्ट हो गया है, तो अभी इस टेक्स्ट फॉर्मेट को हमें वापस से डेट में कन्वर्ट करना है, तो या तो यहां पर जाकर कन्वर्ट करें। दूसरा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजी है, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, फॉर्मूला यूज कीजिए, इसको लगाइए, यानी यहां पर क्लिक कर दीजिए, A1 सेलेक्ट हो गया, इनटू का साइन लगाइए और 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका काम हो गया है, चिंता मत कीजिए। ये देखिए ये डेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप ड्रैग करते हुए चले जाइए नीचे, ये सब डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर के फॉर्मेट में डेट लिखा हुआ था, ठीक है, और जब मैंने इसे डेट बनाया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।